अभी हम लोग अंदर आ गए हैं तो तुम लोग देख सकते हो। देखो मेरे पीछे क्या है, आज बाजू में क्या बेटा इंडिया। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो लास्ट वाला ब्लॉग आई होप तुम लोग ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मैं लिंक तुम लोग को दे दूंगा नीचे, बट उससे पहले तुम लोग ये ब्लॉग पूरा देख लो। तो अभी हम लोग आए हैं फ्लोरा फाउंटेन के पास जो कि है वीटी में। देखो कुलाबा में, तो तुम लोग किधर से भी आ सकते हो, मतलब तुम लोग चर्च गेट से भी आ सकते हो, वीटी से भी आ सकते हैं। अगर तुम लोग को टैक्सी करके आना तो तुम लोग टैक्सी करके भी आ सकते हो। तो यहाँ पे आने का जो हमारा जो मेन टारगेट था वो था यहाँ से मुझे कुछ बुक्स लेने का है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बुक की शॉपिंग करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लेंगे और भी काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं यहाँ पर। बट जो पर्सनली जो मैं जिस चीज़ के जाया हूँ यहाँ पर बुक्स के जाया हूँ, क्योंकि बुक्स यहाँ पर बहुत ही मतलब कम प्राइस में मिल जाती है। जो आपको मार्केट प्राइस में जो आपको क्रॉसवर्ड वगैरह में मिलेगी उसके हाफ प्राइस में तुम लोग को यहाँ पे बुक्स मिल जाती है कुलाबा में टाउन में। हाँ तो देखो ये जो सामने लेन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे यही पूरे लेन में भी तुम लोग को बुक्स मिल जाएगी। बट देखो ये जो है ये है फाउंटेन। एक बुक का शॉप देख के मुझे लगा क्या भाई बुक का वहाँ पे शॉप रहेगा, बट यहाँ पर तो देखो भाई पूरा जेन है सामने जाएगा। तो चलो रोड क्रॉस करते। तो अभी हम लोग बुक्स लेने तो आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर सब बुक्स मिल जाएगी अपने को। मेरे को एक तो पहले तो देखो हंसी आ रही, मेरे को जीके चाहिए एक जनरल नॉलेज का बुक, और देखता हूँ कोई अच्छी बुक्स मिल जाएगी तो वो भी दे देगा। जीके बता दो ना कोई जिसमें मतलब 2020 के 20 का भी रहे कुछ टाइम। जहाँ मतलब तुमने वहाँ नजर से आएगा वहाँ पे बुक ही बुक है। है और दूसरा मिलेंगे मेडिकल का मिलेगा, अच्छा क्योंकि थोड़ा कम मांगते हैं ना कस्टमर। हाँ क्योंकि सबको नॉलेज तो है, जनरल नॉलेज सबको ही है, खाली अपने को नहीं है थोड़ा कुछ। देखो ये भी बुक बहुत ज़्यादा चलती है। जापानी सीक्रेट टू यंग एंड हैप्पी लाइफ, ये कितने की है? 100 रुपीज़ के। 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़, 100 भाई कितना बड़ा लेन है पूरा वहाँ तक है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बुक ही बुक्स। जीके है अंकल? कौन सा? जनरल नॉलेज का कोई भी बुक्स है ना? बताओ ना। इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश हिंदी जनरल नॉलेज। ये ईयर का कौन सा कभी का है? ये तो सब 2020 में है, सब 2020 का भी है इसमें पूरा इंफॉर्मेशन। 20 का भी है, 20 तो है ही, 21 का तो है, 21 भी है। 21 का है, 21 वाला तो कितने का आएगा अपने को? 130 या 35, 150 सब अलग अलग। ऐसा करके 100 रुपीज में तो मैं यहाँ से सब बुक्स लेके जाता हूँ। जीके जो है हर साल वो 100 रुपीज वाला बुक जो है हर साल नहीं यार, वो नहीं दे दो ना, बताओ तो सही। तो अभी सबसे पहले जनरल नॉलेज का पूछिए, क्योंकि जनरल नॉलेज काफ़ी वीक हो गई है, क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले से बुक्स पढ़ना मैंने बंद कर दिया। पहले पर्सनली बुक्स हम लोग पढ़ते थे, हमारा जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, उससे हमारा थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाया किसी ने। इसके लिए बात भाई थोड़ी तेज पे लग गई है, तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इंडिया के बारे में और भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन से पैक से कौन से ईयर में। तो ये सारा नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी होता है, तो वही नॉलेज के लिए हम लोग को बुक्स पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग आए पर्सनली बुक्स देने के लिए। तो इसमें मतलब अभी ये जून के बाद ही 21 हिंदी
अच्छा ये 20 का है तो इसमें पूरा पूरा है मतलब इंडिया इंडिया का पूरा है पूरा लेना फिर क्या है। तो देखो ये वाली बुक ये है इसका 100 ना नहीं अरे दे दो ना अंकल मैं हमेशा तो लेके जाता हूँ अभी मेरा दर्द बहुत ज्यादा वीक हो गया तो इसके लिए सोच रहा हूँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लूँ। देखिए उसका नहीं है 100 वाला ये सब 200 रुपया का ये नहीं बिकेगा रिटर्न साल खत्म बुक वापस। अच्छा और अपना ईयर ऑफ द बुक वाला जो ब्रांड आता है वो नहीं है क्या किसका ईयर ऑफ द बुक वही जीके आता है उसका आने वाला है ईयर बुक। हाँ ईयर बुक वो खत्म हो गया और यहाँ पे किसी के पास नहीं है ईयर बुक नहीं ईयर बुक देखो ना बाजू में पूछो ना जरा नहीं आजा का जाएगा सब नहीं अलग अलग सब होता है। तो देखो हम लोग ने वहाँ से भी दो बुक परचेज की है फिलहाल तो देखो एक है 0-1 इसके बारे में भी मैंने सुना है बहुत अच्छी बुक है ये भी पढ़ सकते हो तुम लोग को भी देखने और ये जनरल नॉलेज की बुक जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। दोनों का तो मैंने प्राइस बताया नहीं तुम लोग ये दोनों हम लोग 200 रुपीज़ में पड़ी है कुछ 100 रुपीज़ ईच पड़ी है। मुझे पर्सनली लगता है कि मतलब जी के जो है वो हमें कॉस्टली पड़ी है 100 रुपीज़ में क्योंकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कुछ 130 रुपीज़ है। पर्सनली मेरे को लग रहा है कि मतलब हम लोग ने ये महंगी दे दी है और जो 0-1 है वो सस्ते में पड़ी है 100 रुपीज़ में देने और यहाँ पर मार्केट ने जो क्लिप देखी ना भाई उसमें देखो उसमें हर बुक के ना 100 रुपीज़ का सेल था मैंने दूर से दिखा दिया अभी मैं रास्ते में चल रहा था अचानक से मुझे दिखा तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मैंने वहाँ पर भी देखो सब जो भाव था ना वो हाफ प्राइस भी था 70% भी था 60% भी ऑफ था हर बुक पे तो मतलब बुक अच्छे प्राइस में तो मिली है बट यहाँ पर कैसा था यहाँ पर जो मैं जो वहाँ पे ना 250 रुपये की भी जो बुक है ना वो यहाँ पर 100 रुपीज़ की दे रहा था मतलब सेल लगा हुआ था। तो तुम लोग अगर आओगे ना तो यहाँ पे थोड़ा गली में आगे पीछे देख लेना जितना चला देखो ये जो चीज़ है इसके सामने ही जस्ट यहाँ पे दो शॉप है भारी फुटपाथ पे तो उन लोग ने सेल लगा के रखा हुआ है 100 रुपीज़ एनी बुक तुम लोग कोई भी बुक जो 100 रुपये में तो पर्सनली वो चीज़ देख लेना नहीं तो ऐसा ना हो जाओ कि तुम लोग वहाँ से 300 रुपये की बुक लो या 400 रुपये की बुक लो ये काला घोड़ा की ये साइड पे ये रोड पर यहाँ पे पर्सनली तुम लोग चेक कर लेना काला घोड़े के अंदर ही ना यहाँ पे और भैया कैसे हो बढ़िया हो गए ना मुझे भी लगा मैक सही बोल रहा है बिकॉज देखो हम लोग इतना दूर आए हैं काला घोड़ा तक आ गए हम लोग काला घोड़ा फोर्ट टाइम तो क्यों ना थोड़ा सा आगे जाके गेट ऑफ इंडिया का भी एक थोड़ा सा नज़ारा दे देते एक झलक दे देते तो चलो फिर फटाफट से चलते हैं गेट ऑफ इंडिया अभी हम लोग अंदर आ गए तो तुम लोग देख सकते हो देखो मेरे पीछे क्या है आज के बाजू में क्या गेट ऑफ इंडिया नहीं छोटो ब्लॉग क्या जो है तो क्या फ़ोटो निकाले अभी देखो इतना दूर आए थे तो भाई थोड़ा टाइम यहाँ पे भी निकालते गेट ऑफ इंडिया के मज़े देते और फिर निकल जाएंगे घर के जगह। मन तो अभी बहुत कर रहा था कि ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ और तुम लोग को एक्सप्लोर करके मैं बताऊँ गेट ऑफ इंडिया के बारे में बट हमारे जो GoPro है वो अभी दम तोड़ने वाला है थोड़े टाइम में उसमें कुछ 8% ही बैटरी बची है तो ज़्यादा व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाऊँगा तो इस वीडियो को यहाँ पे इतने अच्छे मौसम में इतने अच्छे इन्वायरमेंट में रैप करते हैं तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आगे ऐसे वीडियो देखने को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय।